सो हे गाइस, दिस इज आज में बात करने वाले कि अगर आप बीएससी सीएस करना चाहते हो या करने के लिए सोच रहे हो, अगर कल को आपको अपने आप को टीचर के रूप में देखना है, अगर आपको पीएचडी करना है, अगर आपको हायर लेवल तक की पढ़ाई करनी है, जैसे मास्टरी करनी है, पीएचडी करनी है, तो आप लोगों के लिए बीएससी सीएस एक काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको देता है बीएससी करने के लिए। वैसे अगर करने वाले हो तभी आप इस वीडियो को सर्च किए होगा तो आपको ये वीडियो मिला होगा। तो अगर आप करने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर करने की सोच रहे हो तो अभी इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ये जो बीएससी सीएस है ये एक बीएससी, जैसा कि नाम से बीएससी लग रहा है, तो इसमें मैथ है और सीएस एंड जो फिजिक्स से वो रहने ही रहने वाला है। और अगर आप सीएस ले रहे हो तो केमिस्ट्री के रिप्लेस होकर सीएस आ जाएगा, ठीक है। तो वही सब चेंजेस होते हैं, बट सब चीज़ वही रहता है जो बीएससी कर। आपके पास मैथ रहेगा एंड सीएस नहीं रहेगा, उसके केमिस्ट्री रहेगा एंड आपका फिजिक्स रहेगा। तो ये तीन सब्जेक्ट आपके जो मिलने ही वाले हैं वहाँ पे। एंड जब आप सीएस लोगे तो वो केमिस्ट्री है वो रिप्लेस होकर सीएस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी है बेसिक। एंड अगर देखो बात करता हूँ मैं, अगर बीएससी सीएस आप करते हो तो अगर आप लोगों को कल को एक अपने आप को टीचिंग लाइन में देखना है, अपने आप को टीचर देखना है, टीचर के तौर पर पढ़ाते हुए देखना है, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप बीएससी सीएस की तरफ मूव कर सकते हो। बिकॉज अब बीएससी सीएस करने के बाद आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, जैसे आप एमसीए कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो इन सीएस, आपको एमएससी का भी सुविधा आप मिलता है मास्टर करने के लिए, एमएससी सीएस कर सकते हो। फिर अगर आपको पीएचडी करना है तो पीएचडी भी कर सकते हो उसके आगे। तो ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप पीएचडी करके एक अच्छा खासा प्रोफेसर की जॉब भी ले सकते हो। एंड प्रोफेसर जो जॉब होने के बाद आप अच्छे खासे कॉलेज इन डिग्री कॉलेज में जाकर आप टीचिंग कर सकते हो। फिर तो बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। अगर आप सीएस करते हो तो आप लोगों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यार देखो, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, जो मैथ सीएस में लोगे वही मैथ आपको बीएससी आप करोगे, सिर्फ बीएससी करोगे तो उसमें मिलेगा, ठीक है। जो बीएससी मैथ ऑनर्स होते हैं वो अगर सीएस पढ़ोगे तो वो जो मैथ जो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब कि वो सब डीप रहेगा। 21 तो मैं बीएससी सीएस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें वो हर चीज़ें पता हैं जो कि आपको नहीं पता होंगी तो मैं बताऊँगा। तो जो मैथ होता है उसमें मैथ काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, ठीक है। पूरा मैथ आधा 11th 12th का है, फिर थोड़ा सा डीप में आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैथ है, मैथ भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। मैथ को आसान ना ले, बट आसान भी है उन बंदों के जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोड़ चुके हैं 11th 12th को। तो अगर आपके 11th 12th अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपके लिए मैथ बेस्ट चलेगा, बट बेस्ट है। अगर आप बात करें बीएससी कितने साल का होता है, मतलब कितना उसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो यार 3 साल का होता है, 3 साल का बीसीए भी होता है, बट जो आपका बीटेक होता है वो यार 4 साल का होता है, ठीक है। ये सब आपको जानते होंगे, ठीक है। सीएस के फील्ड में कुछ जानना है तो सीएस फील्ड में यार आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाएगा सी एंड जो होगा बेसिक फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल सिखाया जाएगा एंड जो पीसी सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, ठीक है। ये मेरा मतलब मैं अपने जिस कॉलेज पढ़ता हूँ तो उसका सिलेबस है, ठीक है। तो ये सब वहाँ पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप लोगों को C++ एंड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको डेटा एसेंस यूजिंग सी। सेमेस्टर वाइज नहीं है तो मेरा जो ईयरली एग्जाम होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए 11th 12th में, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी बिल्कुल बेसिक सी है, अगर आपको जो 11th 12th मैथ होना चाहिए, बिकॉज आपके पास मैथ नहीं है तो आप सीएस नहीं कर सकते एंड बीएससी सीएस तो नहीं ही कर सकते। अगर आपका आर्ट है तब भी अभी चीज नहीं करते। अगर आपको कोडिंग इंटरेस्ट है तो आप लोग कर सकते हो कोडिंग, क्योंकि एक स्किल है, आप उसको स्किल को तो यूटिलाइज कर सकते हो एंड जो ऑनलाइन कोर्सेस है एक्सटर्नल कोर्सेज आप बाई करके उसको सीख सकते हो, ठीक। आपके 12th में 60% जरूरत होनी चाहिए एंड 60% के बाद अगर आपके अच्छा खासा है तो कई कॉलेज तो एडमिशन डायरेक्ट ले लेते हैं एंड कई कॉलेज जो होते हैं वो अपना खुद का इंटरेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको एडमिशन करवाने के लिए एक अच्छे खासे बीएससी कॉलेज में। बीएससी सीएस आप उन सब के लिए भी है जो कि कल को अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर देखना चाहते हैं, एक ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट करना आपको अच्छा लगता है तो आप बीएससी सीएस कर सकते हो। सीएस तो काफ़ी ज़्यादा थियोरिटिकल टाइप में होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज नोट्स के बिना वो कुछ भी नहीं है। बीएससी सीएस तो पहले भी कर रहा हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे पास औकात है करने के लिए तो मैं कर रहा हूँ। अगर आप अच्छी खास से पढ़ने में हो तो बीएससी सीएस सिर्फ आपके लिए। तो कैसे आप बात करते हैं फीस क्या होने वाले हैं, फीस का कुछ ऐसा आप इन शॉर्ट समझ सकते हो कि आप कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेंगे। कैसे बात करें बीएससी सीएस के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हो एंड आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हो, जैसे एमसीए कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो एंड पीएचडी भी कर सकते हो इन कंप्यूटर ब्रांच। आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं मिलेंगे गाइस, वहाँ पे आप लोगों को हर वो सुविधाएं मिलेंगी, सॉफ्टवेयर कंपनी आएंगे, आपका प्लेसमेंट होगा एमसीए में। अब बीएससी सीएस में जो प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं,
एज़ कम्पेयर टू बी सी एंड बी टेक। बी टेक के बाद यार प्लेसमेंट लग ही जाता है लगभग, बट बी एस सी सी एस के बाद अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। बट अगर आप बी एस सी सी एस के बाद अगर प्लेसमेंट चाहते हो तो आप एम सी ए कर लो या एम एस सी सी एस कर लो या ठीक है आपको ऐसे कर लोगे तो आपको जो प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो आइए वो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।